क्या हो गया है? आओ, आप आओ। भाई सुभान मुझे पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है, मुझे तो लगता है गिरनैप करने लेके जा रहा है। चलो यार देखते हैं। ये मेरा घर है, मैंने आपको एक गिफ्ट देना है। आज बोल रहा है मुझे कोई इसने गिफ्ट देना है, देखते हैं कौन सा गिफ्ट है वो। ये पता लग गया भाई कौन सा गिफ्ट है। ये बैठे इतने सारे कबूतर, कबूतर दे रहे हो? हाँ, जो उन सा भी आपको अच्छा लगे ना ले लो। क्या बात है भाई। अंदर आने से पहले ना मुझे एक अंडा नजर आ गया, ये अंडा भी मैं ले लूंगा क्योंकि बहुत काम आने वाला है। और यार क्या आज जिस अंडे को हाथ लगाए ना वो टूटा होता है। कल भी हमारा अंडा टूटा था, ये भी टूटा पड़ा है। यहाँ से ना मैं जल्दी से कबूतर पसंद करता हूँ। ये देखो, ये देखो यार कमाल भाई, इसका एक पर व्हाइट है और एक ब्लैक है। एक तो ये वाला लेता हूँ, एक तो भाई ये पकड़ लिया। चलो सुभान इसको खोलो पिंजरे को। चलो भाई ये वाला आ जा मेरे हाथ में, वो कली ना निकल जाए। चलो कमाल है भाई, इतना प्यारा कबूतर है ये। और चौथा ये वाला है भाई, ये भी बहुत प्यारा है सुभान। बस चार बहुत हैं, और ले लूं? यार आपको जितने चाहिए ले लो। बस बस बहुत हैं भाई, मैंने ना इससे चार कबूतर ले लिए हैं। अब चलते हैं सीधा मिनी जू, और आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना है। सुभान बताएगा क्या करना है आज हमने? भाई आज हमने ना जो अपना वो लेके आए थे गिद्ध, हाँ गिद्ध, उसका हमने ना आज हैंड टेम करना है। आप भी सोच रहे हो भाई ये मजाक कर रहे हो, इतना बड़ा गिद्ध है उसको हम हैंड टेम कैसे करेंगे, आज कर ही देना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? तो यार कबूतर तो हम ले आए, इनको इनके दोस्तों के साथ छोड़ेंगे और अपने गिद्ध का नेम रखते हैं अच्छा सा। आप सब लोगों ने बहुत ही डेंजरस वाले कमेंट्स किए, मैं पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले। तो क्या नाम रखें यार? मैं कहता हूँ मारखोर रखेंगे। मामू का भी अपना ही नाम है। मामू कौन सा था आपका? वो आदमखोर। ओ नहीं नहीं मामू, नहीं नहीं आदमखोर नहीं। ब्राउनी तुम कैसे सोए पड़े हो हैं? इसको मैं निकाल देता हूँ, जब मैं हूँ ना फिर खेलने लग जाता है ये। चलो बाहर आओ, शाबाश शाबाश। कम 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 कम। बस बस बस, मुझे पता था ये कबूतरों के पास आएगा। भाई हम जैसे ही हैं कुछ सब्सक्राइबर आ गए हैं, कैसे हो भाई? ठीक है आप? दोस्तों आज हमें फिर अपने बिग हाउस को खाली करना पड़ेगा सुभान। चलो याद करें, चलो चलो जल्दी, क्योंकि हमने जो गीत को हैंड टेम करना है ना बाहर हम नहीं करेंगे, क्योंकि फ्लाई कर सकता है वो, उड़ सकता है। इसी वजह से ना बिग हाउस के सारे परिंदे बाहर निकाल के। क्या हुआ यार? देखो फिर मोरों ने मार दिया। ओए होए यार, ये शहजादा मोर है, इसी 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 के काम है। वो देखो भाग गया। हमारे जो छोटे पोलिश चिकन के बच्चे हैं ना उनको बहुत मारता है। इसको तो बंद किया हुआ था, फिर कैसे निकला होगा? यार ये देखो, ये केज का दरवाजा खुला पड़ा है। ये निकल गया था? निकल आया भाई, देखो खाने पीने के लिए निकला होगा, बेचारे को मारा है इन्होंने। अच्छा नहीं किया शहजादे मोर। ओ भाई साहब, गंजा मुर्गा ना अंडा तोड़ने गया हुआ है यार, अभी अभी अंडा आया। ये असील मुर्गी ना इससे अंडा देती है, गंजा मुर्गा ना उसको खाने की कोशिश कर रहा था। सुभान ने सारे पेट्स ना बाहर निकाल दिए और अंदर बिग हाउस को तो अच्छे से चमका दिया सुभान ने। हाँ अब इधर अच्छे से हम हैंड टेम कर रखे, अब पता लगेगा कि कौन उसे हैंड टेम करता है। भाई मामू को तो हमने नहीं बताया हम उसको हैंड टेम करने वाले हैं, नहीं तो मामू क्या करते? भाई नहीं करो अभी बताते हैं उनको भी। यार ये अंडा असील मुर्गी ने दिया। हाँ बाकी वाले अंडों के साथ रखता हूँ, चलो जाके रखो। हाँ सुभान आपने ये जगह सही बनाई है। कितने हो गए हमारे पास? चार अंडे हो गए हैं, और मुर्गी के सूरत हाल भी देख लो, सही है ना? सही चल रही है अभी तक, सही है ना अंडे? अच्छे से अंडे केयर कर रही है। बस सही। हाँ हाँ देखो सारे के सारे अंडे सही हैं। ओए 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 ओए, ये क्या कर रहा है यार? ये खेलने के चक्कर में ना ये हमारे बीमार वाले चूजे को ना मार देगा, इसको मैं अलग किसी केज में रखता हूँ। फिलहाल दोस्तों इस बीमार वाले चूजे को ना मैं इधर बिठा देता हूँ। हम कहाँ रह गए थे, काफी देर से आपको देख रहा हूँ। मेहमान आए हो तो मेहमानों के साथ आओ ना। क्या खैर तो है? आज हम अपने गिद्ध को हैंड टेम करने वाले हैं। हैंड टेम? ये बहुत खतरनाक चीज है। और मामू कुछ कुछ भी नहीं होता, आओ आओ। सुभान निकाल भी रहा है, वो देखो सुभान निकाल रहे हो आप? हाँ जी। हेलो, रिस्क लेने वाला काम है वलीद भाई। भाई आज करके रहना है, मैं करूंगा हैंड टेम, मामू देख लो। क्या हुआ है भाई? घुटने को पकड़ता था अभी, ये देखो। सुभान ख्याल से ये बहुत खतरनाक है, ख्याल करना। आराम से उठा लो। सुभान आराम से ना इसको लेके आ रहा है, कल भी इसने मुझे काटा, ये देखो अभी तक निशान बना हुआ है। सुभान बिग हाउस में आराम से रख दे, उसके बाद इसकी फिर ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। मैं खोल देता हूँ, ले आओ आराम से ले आओ, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता।
वाह, अंदर पेट्स कहाँ, किसने छोड़ दिया यार? मामू आओ, इन्हें बाहर निकालो। सिम्बा इधर आ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, सुन सब, चलो वो देखो वो तबाहियां मचा रहा है, चलो। अरे इसकी पसंद की जगह ये ऊपर वाली है, देखो ये जाके बैठ जाएगा यहाँ, ये ना बहुत इजी बैठता है और खुश होता है इधर बैठ के। इसका नाम फिर क्या रखना है मामू? आदमखोर। सुभान, इसके आगे हाथ कर, आता है तेरे पास? आज दस्ताना ना होता ना तो मेरा काम लग गया था उंगली पर। हाँ जी वाकई, मैं तो बगैर दस्ताने के इसके आगे हाथ कर रहा हूँ। इसको प्यास लगी है, इसको पक्का प्यास लगी है, इसके लिए पानी लेके आना पड़ेगा। मैं ना दोस्तों यहाँ से ना पानी वाला बर्तन उठा लेता हूँ। ये कर क्या रहा है, कभी नीचे आ रहा है कभी ऊपर जा रहा है? यार वो मस्ती कर रहा है यार, खुश हो रहा है, खुश हो रहा है। इस वाले बर्तन में पानी पिलाते हैं इसको। यार ये वाले हमारे कबूतर जो हम ले आए थे ना सारे उड़ गए, कैसे उड़े हैं? अभी अभी कबूतर ले आए, पता नहीं किसने खोल दिया था ये वाला गेट। सुबह निकाल सारे कबूतर, निकाल जल्दी 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 जल्दी। वो एक आ रहा है, एक आ रहा है, वो देख यार, नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ, बैठ जाओ, जल्दी खो, जल्दी निकाल सारे। दोस्तों साहिल भी चला गया, ये कबूतरों को ना आज पकड़ना है। यार साहिल ऊपर चढ़ गया इस वाली टैंकी पे, वो सामने कबूतर बैठा, इसको पकड़ना है। और बाकी दो का पता नहीं है किधर चले गए। आ गया, एक आ गया। बैठने दे इसको, बैठने दे, बैठने दे। सुबह आराम से पकड़, आराम से पकड़, ये खुद आके बैठा है, पकड़ लिया। एक तो आ गया, अब ऊपर कितने हैं? ऊपर तीन है, तीन ऊपर हैं अभी भी। यार सुभान इस पिंजरे में से कैसे निकल सकते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। पता नहीं कैसे निकले हैं। जो दो थे ना वो साहिल पकड़ने गया हुआ है, दो आ गए हैं, पता नहीं कब पकड़ गया। सबसे पहले मैं पहनूंगा ये वाला ग्लव और उसके बाद बोरी, क्योंकि जो इसके पंजे हैं ना मोस्ट डेंजरस हैं बड़े। अब बोरी भी पहन रहा हूँ, ख्याल से सुभान, अगर कुछ भी हादसा हो गया ना मामू फिर मुझे दो में याद रखना। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह खैर करे। दोस्तों अब हम दोनों बिल्कुल रेडी हैं पड़े अपने गिद को हाथ पे बिठाने के लिए, तो पहले इसको हैंड टेम करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इसका नेम भी रखेंगे। अरे भाई मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा था, वाकई ये हाथ पे बैठा था? हाँ जी यार बैठा था। नहीं यार मामू वाकई? अच्छा वाकई, मैं नहीं देख रहा था, मैं उधर कबूतरों की मस्ती में खड़ा होता जो कबूतर उड़ गए। अच्छा एक काम करते हैं, आपको दोबारा अपने हाथ पे बिठा के दिखाते हैं। सुभान दोबारा रेडी हो जा, इसके अटैक की जो पावर है ना वो बहुत ज्यादा है। मामू इस ब्राउनी को बाहर निकाल दो, इसके ऊपर अटैक कर देगा वो। हाँ ये तो बहुत नफीस बच्चा है। हाँ दोस्तों अब हम बहुत कोशिश कर रहे हैं इसको ऊपर बिठाने की, इसको बिठाना हाथ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि ये काटता बहुत ज्यादा, ये देख रहे हो। लेकिन फिर भी सुभान कहता है आज दोबारा बिठाएंगे, करेंगे इंशाल्लाह, इसे हैंड टेम कर रहेंगे कर के रहेंगे। तो भाई बार बार हम कोशिश कर रहे हैं, ओ कामयाब, इस दफा भाई कामयाब हो गया सुभान, कमाल है भाई। इसने आना फिर भी नीचे होता है, तकरीबन हमें ना एक या दो वीक लगेंगे इसको फुल टेम करने में। भाई सुभान ने इसका ना पीछा नहीं छोड़ना, मुझे लग गया कमाल है। अब सही है कि जो एज है ना वो सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ है बड़ी, अगर ये ज्यादा बड़ा होता ना ये अपने आप को हाथ ही ना लगाने देता। इसी वजह से सुभान भाई शशके उठा रहा है इसके, क्योंकि छोटा है ये लेकिन वाकई वो सुभान की बाजू टूटती है, इतना भारी है ये। रख दे सुभान, डर बहुत लग रहा है, तू पानी पी ले। मैं कह रहा था ना कहाँ नाखून मारा, ये देख, बस छोड़ दो यार अब इसको कुछ भी ना करो। अब बस इसका नेम रखते हैं अच्छा सा। हाँ मामा ये बहुत भारी हो चुका है, अभी से रेस्ट करने दो, ठीक है ना? हम भी दोस्तों आधा घंटा होगा इसकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, लेकिन अब बस इसके लिए डाइट वगैरह भी मंगवा ली है, तो अब इसका अच्छा सा हम नेम रखते हैं। सुभान तू बता क्या नेम रखे? यार मैं तो वही कहूँगा मारखोर। मामा आप? मैं तो आदम खोर कहता हूँ, लेकिन आप मेरी मानोगे ही नहीं। नहीं यार इस दफा मामू आपकी नहीं मानेंगे, अगली दफा आपकी मानेंगे। हर बात आप ऐसे करते हो यार मेरे साथ। कुछ नहीं होता भाई, आज से इसका नाम है, बता दो मारखोर, क्योंकि ये मारने वाला है, ठुंगे शुंगे मारता है और सुभान की भी नाम पसंद का है। मामू फिर क्या बोलते हो? ठीक है चलो ठीक है, अच्छा नाम है मारखोर। दोस्तों जो कबूतर हमारे उड़े थे ना उनमें से दो तो ये बैठे हैं और दो गुम हो गए हैं, यहाँ हमने इसीलिए बिठा रखे हैं, जो दो उड़े हैं ना वो इनको देख के आ जाएं, लेकिन वो नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ भाग चुके हैं।
तो बस ऐसा करते हैं, अब इनको भी नीचे उतारते हैं, वो तो आने नहीं वाले। तो ये डाइट है हमारे मारखोर की दूसरे टाइम की। इसको सुबह भी डाइट देते हैं और शाम को भी डाइट देते हैं। ये डाइट में ना चिकन ही खाता है। खुद आएगा खुद आएगा खुद आएगा। सुमन थोड़ा इधर ले आ। ओए खा रहा है ना, कटक कटक करके खाता है। इसकी खाने की स्पीड चेक कर बस, अभी अपने हाथ में रखेगा। यार आप ना इनकी मस्तियां देखो देखो, ब्राउनी और जिमी ना आपस में इतना खेलते हैं, इतना खेलते हैं। ओ नहीं ब्राउनी नहीं, जिमी को ना मारो। लेकिन जिमी ने कहां बाज आना है, आपको पता है जिमी कहां बाज आएगा। नहीं 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 दोस्तों, आप टाइम आ गया अपने ब्राउनी को ना नहलाने का। ये बहुत गंदा हो गया, ये देखो बान। ऐसा करते हैं ब्राउनी को नहलाते हैं, ठीक है ना। हाँ यार बहुत मैला हो गया, कड़ाई से नहलाते हैं। वो देखो जिमी पे अटैक कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। जिमी डर के मेरे पीछे छुप गया। आ जाओ ब्राउनी, ओ उठा ले यार तू, उठा ले इसको। वो दे जिमी मेरे ऊपर चढ़ गया। चलो भाई नहाओ। वैसे इसको मजा बहुत आता है नहाने में। हमारे से मिलने ना क्यूट क्यूट सब्सक्राइबर हैं। कैसे हो, ठीक हो तुम? अपने गीत को ना वापसी अपने घर में शिफ्ट कर रहे हैं। चल ले जा सुभान, आराम से आराम से। ये रात को यहाँ रहते हैं और दिन में बिग हाउस में। थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो आपको बड़ा पसंद आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे कल, आज के लिए अल्लाह हाफिज।